अगर आपको भी मोटरसाइकिल पर घूमना पसंद है और एडवेंचर करना पसंद है और एंट्री लेवल एडवेंचर मोटरसाइकिल तलाश रहे हैं जो कि कम बजट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर दे, तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन होता है होंडा CB200X का। अब होंडा इस बाइक के साथ में आपको क्या कुछ ऑफर करता है, सारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं होंडा CB200X के बारे में। साथ ही होंडा की तरफ से इस बाइक पर एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है जिसकी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखें। अब बाइक के लुक एंड डिज़ाइन पर जाने से पहले मैं आपको इस बाइक के बारे में कुछ खास चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये मोटरसाइकिल बनाई गई है होंडा CB हॉर्नेट 2.0 के प्लेटफॉर्म और इंजन के साथ में। पीछे का जो पूरा पार्ट है और डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो सब आपको हॉर्नेट 2.0 जैसे ही नज़र आते हैं। और फ्रंट अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी इंस्पायर्ड आपको नज़र आएगी होंडा की CB500X से। यहाँ पर ब्लैक कलर का आपको ये विंडशील्ड देखने को मिलता है। LED हेडलाइट सेटअप आपको दिया गया है। हाफ फेयरिंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा नज़र आता है। साथ ही बाइक के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नकल गार्ड्स कंपनी जो है वो आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट में देती है और इन्हीं के अंदर आपको मिलता है इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर के अंदर आपको ये हजार्ड का फंक्शन भी मिलता है जहाँ पर आप चारों इंडिकेटर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं स्पेशली जो एडवेंचर या फिर टूरिंग में हमें ज़रूरत होती है वो आपको होंडा इसके साथ में ऑफर कर रहा है। बाकी यहाँ फ्रंट में देखोगे तो गोल्डन कलर का USD सस्पेंशन आपको ऑफर किया जाता है। पेटल डिस्क है, ABS आपको फ्रंट में मिलेगा। सिंगल चैनल ABS ही आपको ये मोटरसाइकिल ऑफर करती है और जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है तो वहाँ पर आप शिकायत भी नहीं कर सकते। और ऑफ रोडिंग अगर आप करने जाते हो तो वहाँ पर सिंगल चैनल ABS जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है डुअल चैनल के कंपैरिजन में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट इस बाइक के साथ में हो जाता है। हाँ, जो बड़ी एडवेंचर बाइक्स होती हैं उनके अंदर डुअल चैनल ABS आता है, लेकिन जब आप ऑफ रोडिंग करने जाते हो तो वहाँ पर स्विच करना होता है ऑफ रोड मोड के अंदर, जहाँ पर फ्रंट ABS तो चलता है लेकिन रियर ABS बंद हो जाता है। तो ऐसे में सिंगल चैनल ABS भी आपके लिए सफिशियंट है। 17 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। 110x70 सेक्शन का फ्रंट में टायर है। खास बात यह है कि इसके साथ में ब्लॉक पैटर्न टायर्स आपको मिलते हैं जो कि हाईवे पे भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, साथ ही खराब रास्तों में अगर आप जाओगे तो वहाँ भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस इन टायर से मिलती है। अब बात करें CB200X के इंजन की, तो जैसा मैंने पहले कहा हॉर्नेट वाला ही इंजन आपको यहाँ पर मिलता है। एग्जैक्ट अगर बात करूँ तो 186cc का ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो आपको ऑफर करता है 17 BHP की पावर और 15.9 Nm का टॉर्क। तो पावर एंड टॉर्क आपको इस बाइक से काफी अच्छा मिलता है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में बाइक आती है। क्लच भी काफी लाइट है और यहाँ नीचे की तरफ आपको ये इंजन मड कवर मिलेगा जो कि फाइबर पर दिया गया है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 167 mm की मिलती है। ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो थोड़ी कम नजर आएगी, लेकिन बाइक का व्हील बेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है जिसकी वजह से 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में भी अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी आपको ऑफर करती है और नीचे जल्दी से कहीं भी टच नहीं होने वाली है। एक और अच्छी चीज इस बाइक के साथ में आपको मिलती है, साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों चीजें आपको कंपनी ऑफर करती है। एग्जॉस्ट डिजाइन अगर आप देखोगे तो शॉर्ट एग्जॉस्ट मफलर आपको मिलता है। रियर व्हील में भी आपको पेटल डिस्क मिलेगा। ABS जैसा मैंने पहले बताया सिंगल चैनल है। पीछे 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में 140 सेक्शन का टायर आपको ऑफर किया जाता है। तो रियर में काफी वाइड टायर कंपनी यहाँ ऑफर करती है। बाकी टेल सेक्शन की बात करें तो बड़ा मडगार्ड आपको मिलता है और LED ब्लिंकर्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्प्लिट ग्रैब रेल है जिससे कि पिलियन अगर कोई पीछे बैठता है तो वो कंफर्टेबल रहे। और यहाँ सीट की मैं बात करूँ तो राइडर और पिलियन दोनों की ही काफी अच्छी सीट आपको मिलती है। लेंथ विड्थ वगैरह सीट में अच्छी है और जो सीट हाइट है वो आपको मिलती है 810 mm की, जिसकी वजह से शॉर्ट हाइट राइडर भी आराम से इस बाइक को चला सकते हैं। यहाँ पर क्या कुछ मिलता है तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। अब टैंक सुनने में आपको छोटा नजर आ सकता है एडवेंचर बाइक के हिसाब से, लेकिन इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा है जिसकी वजह से 12 लीटर के साथ में भी ये मोटरसाइकिल आपको काफी अच्छी टैंक रेंज ऑफर करती है। इसके साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 45 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज जो कि काफी अच्छी है, स्पेशली अगर आप एक ऐसी बाइक के बारे में बात कर रहे हो जो एडवेंचर में आप यूज करने वाले हो, हाईवे टूरिंग में अगर आप उसको यूज करने वाले हो तो 45 km/h बहुत अच्छा माइलेज हो जाता है। बाकी यहाँ क्या कुछ मिलता है तो सिंगल पाइप हैंडल बार है और स्विचेस वगैरह की बात करें तो इंजन किल स्विच, हैजार्ड का बटन मिलता है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन है। इधर आपको हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न और पास स्विच मिल जाता है। यहाँ फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कंपनी यहाँ ऑफर करती है। ऊपर की तरफ आपको RPM नजर आएंगे, इधर स्पीडोमीटर है, क्लॉक है, ट्रिप A ट्रिप B आपको मिलता है और यहाँ पर बैटरी वोल्टेज आपको नजर आ जाएगा।
साथ ही यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया, साइड स्टैंड इंडिकेटर, एबीएस लाइट और इंजन चेक लाइट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले के अंदर बेसिक जो रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर ऑफर की जाती हैं। अब एक बार मैं इस बाइक के ऊपर बैठ के भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी हाइट के हिसाब से बाइक कैसी होने वाली है। तो मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, दोनों पैर मेरे पूरे आराम से आ रहे हैं नीचे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक का वज़न 147 किलोग्राम है, जिसकी वजह से इसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। और अगर आप हाईवे राइड वगैरह करने जाते हो तो सिटिंग पोजीशन कुछ ये बनती है, जिसकी वजह से कंफर्ट आपको रेगुलर मिलता रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और अगर आपको कभी सैडल करना है, इसके ऊपर खड़े होना है, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फुटपैक की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, तो हॉर्नेट से अगर आप कंपेयर करोगे तो कंफर्ट के मामले में ये आपको ज़्यादा बेटर फील देती है। और कीमत के अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, और एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है इंडियन मार्केट के अंदर। 147,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत के साथ में आपको ये मोटरसाइकिल मिल रही है। ऑन रोड लगभग 170,000 से 175,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। और वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि एक स्पेशल चीज बताने वाला हूं, जो कि है इस पर चल रहा डिस्काउंट। होंडा बिग विंग के अंदर होंडा अपनी सभी मोटरसाइकिल पर एक डिस्काउंट स्कीम ऑफर करता है, जो कि 25 ईयर्स से कम लोगों के लिए है। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है और आप होंडा बिग विंग से कोई भी बाइक खरीदते हो तो आपको मिल सकता है 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट। मैं फिलहाल होंडा बिग विंग गाजियाबाद पर हूँ, जहाँ पर यह डिस्काउंट ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप डीलरशिप को कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी डिस्काउंट के बाद और भी कम कीमत इस बाइक की हो जाती है, और 147,000 रुपये में अगर आप एक एडवेंचर बाइक लेना चाहते हो तो CB200X आपको एकमात्र ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा हीरो एक्सपल्स 200 4V भी आती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील मिल जाते हैं, और डिज़ाइन भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा प्रीमियम है। और होंडा की जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो भी हीरो के कंपैरिजन में आपको काफ़ी बेटर नज़र आती है। तो ऐसे में अगर आप एक डर्ट बाइक नहीं लेना चाहते, एक टूरिंग बाइक लेना चाहते हो, तो CB200X आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी ये बाइक आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें। ऐसे ही डिटेल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।